हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं ओम का नियम। तो ओम का नियम समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। तो ओम का नियम क्या है? ओम का नियम है कि यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहे तो उसके सिरों का विभवांतर चालक में बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। ओम के नियम के बारे में जो है जर्मन के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक सन 1926 में, जिनका नाम था ओम के नियम का, जिन्होंने प्रतिपादन किया था, जॉर्ज साइमन ओम में 1926 में इसके बारे में बताया था, इसीलिए इसके ओम का नियम कहते हैं। अब हम इसके शाब्दिक अर्थ को समझ लेते हैं। चालक, यहाँ पे चालक मतलब होता है जिसमें धारा का प्रवाह हो, जैसे धातुएं, चांदी, तांबा, पीतल, एल्युमिनियम, इन सबको चालक कहते हैं। चालक को कंडक्टर भी कहते हैं, ये सारी जिसमें धारा इलेक्ट्रिक फ्लो हो सके। इसके बाद भौतिक अवस्थाएं आती हैं। भौतिक अवस्थाएं मतलब लंबाई, ताप, दाब, ये सब चीज़ें जब अपरिवर्तित रहें तो उसके सिरों का जो विभवांतर होता है, वो विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, वो बहने वाली धारा के समानुपात होता है, मतलब करंट के समानुपात, मतलब अनुपात होते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक चालक ले लिया, इसके दो सिरे हैं, ये पहला दूसरा। इन दोनों सिरों में देखिए धारा बढ़ने पर विभवांतर भी बढ़ेगा। चालक तार है जो आपको तांबे का दिख रहा है, तो करंट अगर फ्लो होगा, करंट बढ़ेगा तो उसका वोल्टेज भी बढ़ेगा। यानी कि धारा बढ़ने पर, करंट बढ़ने पर वोल्टेज बढ़ेगा, तो कह सकते हैं कि धारा बढ़ने पर, ऊपर होने पर विभवांतर भी अप होगा, बढ़ेगा। तो ये चीज़ हो गई हमारी मेन फैक्ट। अब हम आगे देखते हैं ओम का नियम क्या है। तो किसी चालक तार में प्रवाहित धारा एवं उनके सिरों के बीच विभवांतर में संबंध को ओम का नियम कहते हैं। मतलब जो उसमें धारा प्रवाहित होती है और उनके सिरों के बीच जो विभवांतर होता है, इसी को ओम का नियम कहते हैं। विभवांतर वी और धारा आई से प्रदर्शित करते हैं। तो अब हम देखते हैं, यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, एक विद्युत परिपथ आपको दिख रहा है, जिसमें जो है स्विच है, सेल है और एक बल्ब दिख रहा है, ये बंद विद्युत परिपथ है। तो कुल मिलाकर ओम ने कहा था कि विभवांतर जो है धारा के समानुपात है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम उसको ऐसे लिखकर दिखा सकते हैं, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जब ये प्रोपोर्शनल या समानुपात हटेगा तो यहाँ पर R आ जाएगा, जिसे R एक नियतांक है, इसी को वैद्युत प्रतिरोध भी कहते हैं। तो ये R बराबर क्या हो जाएगा? नियतांक हो जाएगा। तो इसको इस तरीके से भी इज इक्वल टू R I, जहाँ पर R क्या है? नियतांक है। तो R इज इक्वल टू वी अपॉन आई, मतलब V बटे आई भी लिख सकते हैं, जहाँ पर R क्या है, इसी को वैद्युत प्रतिरोध भी कहते हैं। विद्युत प्रतिरोध R का मान चालक के आकार, पदार्थ और ताप पर निर्भर करता है। यानी कह सकते हैं कि चालक का आकृति या आकार या शेप कैसा है, पदार्थ कौन सा है, या फिर उस पदार्थ का टेम्परेचर यानी कि तापमान कैसा है, ये सभी बातें जो होती हैं वो प्रतिरोध के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं, इन्हीं पर ये सब डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स, ओम का नियम सत्यापित करने के लिए मैंने ये विद्युत परिपथ बनाया हुआ है। ये पूरे परिपथ में देखिए, यहाँ पर एक सेल है, एक सेल लगाया हुआ है, एक कुंजी, ये कुंजी है, इसी को क्या बोलते हैं? बटन कहते हैं। यहाँ पे एक अमीटर को जोड़ा गया है, ये परिपथ में धारा के माप को बताता है। तो याद रखिएगा, धारा के माप को बताने का कार्य अमीटर बताता है, ये बताता है कि कितना करंट बह रहा है परिपथ में। यहाँ पे ये प्रतिरोध तार जोड़ा गया है, प्रतिरोध, यहाँ पे प्रतिरोध हो गया, और ये प्रतिरोध तार के सिरों के बीच विभवांतर को मापने के लिए जो है क्या लगा दिया गया है? वोल्ट मीटर लगा दिया है। वोल्ट ये विभवांतर मापने के लिए लगा है, जो वोल्टेज को बताता है। अब यहाँ पे एक धारा, यहाँ पर इसी परिपथ में एक धारा नियंत्रक जोड़ा गया है, क्या करता है? जो धारा को क्या करता है? नियंत्रित करता है, नियंत्रित करेगा नियंत्रक, ठीक है फ्रेंड। अब यहाँ पे धारा को जब हम प्रवाहित करने के लिए पूरे परिपथ में कुंजी को क्या करेंगे? बंद कर देंगे, यानी कि यहाँ पर तुरंत धारा जो है प्रवाहित होने लगेगी। जैसे ही कुंजी बंद की जाती है, वह परिपथ में धारा बहने लगती है। अब धारा जो है अमीटर से और विभवांतर का मान वोल्टमीटर से नोट करके लिख लेते हैं। इस पूरे विद्युत परिपथ को अब देखिए,
यहाँ पे धारा नियंत्रक से धारा का मान बदल बदल कर अमीटर और वोल्ट मीटर से रीडिंग लिखते हैं। तो चलिए पहले रीडिंग के लिए एक यहाँ पर देखिए, यहाँ पे धारा नियंत्रक को पहले यहाँ पे रखा गया है और वोल्ट मीटर से रीडिंग को चेक करते हैं। मान लीजिए पहली रीडिंग हमारी, हाँ पहली रीडिंग 0.95 वोल्ट और जो है धारा का मान 0.25 एम्पियर जो है धारा, या मतलब जो वोल्ट का मान है 0.95 वोल्ट, विभवांतर का मान और धारा का मान 0.25 अमीटर आया है। अब प्रपथ में क्या करते हैं, धारा और ज़्यादा प्रवाहित करते हैं। ये जो धारा नियंत्रक है इसकी स्थिति हम चेंज कर देते हैं, अब हम इसको यहाँ से यहाँ पर रख देते हैं। अब वोल्ट मीटर से जो वोल्टेज को हम मापते हैं, अब जो है और अमीटर से धारा का जो मानते हैं वो यहाँ पे इसका मान क्या हो जाता है, 1.7 हो जाता है वोल्ट, ठीक है, और धारा का मान 0.45 एम्पियर आता है। तो ये देखिए 1.7 वोल्ट और वोल्ट और 0.45 अमीटर। अब फिर से हम धारा और बढ़ा देते हैं तीसरी रीडिंग लेने के लिए और ये स्थिति यहाँ पर रख देते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, वोल्ट मीटर से विभवांतर और अमीटर से धारा नापकर रीडिंग लेते हैं। तो रीडिंग आती है 4.2 वोल्ट और 0.90 अमीटर। ये जो है यहाँ पे देखे, यहाँ पे जैसे ही विभवांतर के मान में वृद्धि करते हैं वैसे ही धारा I के मान में भी वृद्धि होती है, इसलिए विभवांतर जो है धारा के समानुपाती होता है या अनुक्रमानुपाती होता है, यानी V समानुपाती I। इस तरीके से ये, अब यहाँ पे ये अल्फा हटाएगा तो V बराबर क्या हो जाएगा, नियतांक, I मतलब धारा होता है तो गुड़े I या धारा लिख लेंगे। तो यहाँ पे V नियतांक क्या होता है, R होता है जो प्रतिरोध है, तो यहाँ पे I हो जाएगा। तो यही R बराबर क्या होता है, V अपॉन I, यही क्या है, ओम का नियम है, ये तो हमें पता चल गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब आगे यही हम रीडिंग को क्या करेंगे समझने के लिए, अब हम इसको जब R का मान कैलकुलेट करेंगे, क्या देखते हैं कि ये R नियतांक है या नहीं, सबको कैलकुलेट करते हैं तो क्या R का मान सब में समान आता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 0.95 यहाँ R इज इक्वल टू वी अपॉन आई लिख लेते हैं, ठीक है, तो अपॉन क्या होगा 0.25, दूसरे रीडिंग में 1.7 अपॉन क्या हो जाएगा 0.45, और यहाँ पे तीसरी रीडिंग है 4.2 अपॉन 0.90। अब यहाँ पे देखिए सबको कैलकुलेट करेंगे तो सबका मान लगभग 7.8, यहाँ पे 7.8 है, तो इसका हम राउंड फिगर ले लेते हैं, आपने छोटे क्लासों में पढ़ा होगा 5 से ज़्यादा होता है दशमलव के बाद का अंक, तो 8 के लगभग होता है। उसी तरीके से यहाँ पे 3.77, तो यहाँ पे देखिए तीनों रीडिंग जो आ रही है उसके मान क्या आ रहा है, एक ही समान 3.8 आ रहा है, यानी कि तीनों के मान नियत है, मतलब R का मान क्या है, हमेशा स्थिर है, कांस्टेंट है, यही ओम का नियम है। R बराबर जो है तीनों का मान कांस्टेंट है, वी R बराबर वी अपॉन आई जो है, तो ये इस प्रकार से ओम का नियम का सत्यापित होता है। अब हम जो है इसको ग्राफ से भी बताया जा सकता है, तो एक सीधी रेखा बनकर जाएगी। यहाँ पर देखिए ग्राफ को अगर ऐसे बना दिया जाए, यहाँ पर एक्स वाई अक्ष पर रख देंगे और ऐसे यहाँ पर दिखाएंगे, तो ये धारा और यहाँ पे वाई अक्ष पर जो है धारा हो गई, आई हो गया ये, और यहाँ पे विभवांतर वी हो जाएगा। तो यहाँ पे एक सरल रेखी जो है ग्राफ होता है, तो ये सरल थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है लेकिन सरल रेखा से ओम के नियम से क्या होगी, पुष्टि हो जाती है। तो ये वी इक्वल टू आई इक्वल टू वी इक्वल टू आर आई, मतलब आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी अपॉन आई, यही ओम का नियम है। तो आई होप आपको समझ में आ गया। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।